अब्दुल्लाह बरकातहू। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम नंबर 9, और वो फाइलम नंबर 9 कौन है? वो है इकाइनो डर्मिडा। कौन है? इकाइनो डर्मिडा। ना इकाइनो डर्मिडा के मामले में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो लफ्ज है, एक है इकाइन और एक लफ्ज है डर्मेटा। आमतौर पर इकाइन जो बोला जाता है वो बोला जाता है कांटे कांटेदार सांप को। किसको बोला जाता है? कांटेदार सांप को। और डर्मेटा बोला जाता है जिल्द को। किसको बोला जाता है? जिल्द को, या हम इंग्लिश में उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, स्किन। अभी जो इकाइनो डर्मेटा फाइला में, इसमें जितने भी जानदार होते हैं, जानदार ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पर क्या मौजूद होते हैं, जिनके जिस्म के ऊपर या जिनके स्किन के ऊपर क्या मौजूद होती है? कांटे। क्या मौजूद होती है? कांटे। और उसी को इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, स्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पर कांटे मौजूद होते हैं, इसलिए उनको लफ्ज क्या दिया गया? इकाइनो डर्मेटा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे जानदार जिसके जिस्म के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? कांटे, या कांटेदार जिस्म रखने वाले एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा। नाउ इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे जानवर जिनके अंदरूनी जो ढांचा होता है, अंदर का जो ढांचा होता है, उस अंदरूनी ढांचे के अंदर होती है कैलकेरियस ऑसिकल्स। क्या होती है? कैलकेरियस ऑसिकल्स। और ये जो कैलकेरियस ऑसिकल है, इनके जिस्म में ऐसी दिखाई देती है जैसे कांटे मौजूद है। कैलकेरियस का मतलब क्या होता है? कैलकेरियस का मतलब होता है जो कैल्शियम से बना हो। किससे बना हो? कैल्शियम से बना हो, उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कैलकेरियस। और ऑसिकल का मतलब क्या होता है? ऑसिकल का मतलब होता है छोटी हड्डियां। क्या मतलब होता है इसका? छोटी हड्डियां। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारा कान है, कान के अंदर जो बोन होती है उनको बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। वैसे ही इनके पास जो हड्डियां है वो छोटी छोटी है, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? कैलकेरियस ऑसिकल। तो आमतौर पर इनके जिस्म के ऊपर या इनका जो अंदरूनी ढांचा है वो जो बना होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम की छोटी छोटी हड्डियों से, इसलिए वो कांटी की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा, यानी कांटेदार जिस्म वाले जानदार। यहां पर याद रहेगा, बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हम ये कहते हैं कि इनके रहने की जगह क्या है। तो याद रखना कि इनके जितने भी अनुवा है, सारी की सारी अनुवा कैसी होती है? समंदरी। तो याद रखना है इनकी जो रहने की जगह है, इनकी रहने की जो जगह है वो क्या है? इनके रहने की जगह है मराई। क्या है? मराई। मराई मतलब समंदरी पानी। और जब हम समंदरी पानी बोलते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका मतलब वहां पर नमक की जो मिकदार होती है वो क्या होती है? ज्यादा। और इनको स्पेशली बोला जाता है, एक लफ्ज बोला जाता है, वो होता है एक्सक्लूसिवली मराई। क्या बोला जाता है इनको? एक्सक्लूसिवली मराई। एक्सक्लूसिवली मराई का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से मराई, पूरी तरह से समंदरी यानी नमकीन पानी में रहने वाले। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेश वाटर में या मीठे पानी में आपको दिखाई नहीं देगा। तो एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कौन से ऐसे जानदार है जो एक्सक्लूसिवली मराई है, जो सिर्फ पानी, और कौन से पानी में होते हैं? नमकीन पानी में। तो उसमें एक एग्जाम्पल याद रखना है टीनोफोरा, दूसरी एग्जाम्पल याद रखना है इकाइनोडर्मेटा, और तीसरी एग्जाम्पल हम आगे चल के पढ़ेंगे वो होगी साइक्लोस्पोर्म्स। ठीक है, तो ये तीन जानदार होते हैं या तीन अनुवा है जो हमेशा से पूरी तरह से कहां पर मौजूद होते हैं? समंदरी पानी में। उसके लिए क्या लोग इस्तेमाल किया जाता है? एक्सक्लूसिवली मराइन। याद रहेगा ना। अब उसके बाद हमको पता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इनके पास जो तरतीब का निजाम है वो कौन सा होगा, तो इनके पास कौन सा तरतीब का निजाम होगा? ऑर्गन सिस्टम की सतह। ऑर्गन सिस्टम की सतह का मतलब है बहुत सारे ऑर्गन होंगे और वो एक नज्म बनाएंगे, एक निजाम बनाएंगे। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास एक निजाम होता है, उसको हम कह रहे हैं निजाम है अमले इन्हेजाम। दूसरा होता है निजाम है अमले तनफुस। तीसरा होता है निजाम है अमले इस्तेखराज। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे? निजाम होंगे। इस तरह से जो जर्म लेयर होगी वो कौन सी कंडीशन में होगी?
ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बेरोनी थे, दरमियानी थे, अंदरूनी थे, और उससे फिर उनके जिस्म के अलग अलग क्या बने, अजू। फिर इसी तरह से यूसेलुमेट, यूसेलुमेट जानदार का मतलब क्या है, ऐसे जानदार जिसके अंदर क्या होता है, जिस्मानी कैफा, और हमने कहा यूसेलुमेट या उसी को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, सेलुमेट। तो एनसीआरडी का ये ओल्ड वर्जन है, इसलिए यहाँ पर यू वर्ड है, न्यू वर्जन में क्या लोग इस्तेमाल है, सेलुमेट। ठीक है ना, इसके बाद इनके मामले में जो सबसे अहम चीज याद रखना है क्या, कि इनका जो निजाम इंतजाम है या निजाम हाजमा है वो मुकम्मल होता है। और हमने इससे पहले भी पढ़ा कि निजाम इंतजाम मुकम्मल और नामुकम्मल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी मुकम्मल में हमने कहा कि उनके अंदर क्या रहेंगे, दो ओपनिंग रहेगी, दो सुराख रहेंगे, दो होल रहेंगे, एक रहेगा मुंह और एक रहेगा गोबरस, एक रहेगा माउथ और एक रहेगा एनस। ठीक है, एक जगह वो खाएगा, दूसरी जगह से उसको खारिज करेगा। और नामुकम्मल में हमने कहा कि एक ही ओपनिंग रहेगी, एक ही मुंह रहेगा, वहीं से खाएगा, वहीं से खारिज भी करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, नामुकम्मल। ना, जब हम निजामे हाजमा की मुकम्मल की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वहां पर दहन होता है, यानी क्या होता है, मुंह होता है, या इंग्लिश में हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माउथ होता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज यहाँ पर याद रखना है कि इनका जो माउथ होता है वो नीचे की जानिब होता है, और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज है वेंट्रल। कौन सी साइड पर होता है, वेंट्रल साइड, यानी नीचे की जानिब, नीचे की जानिब। और खारिजी जो सुराख है यानी जो मुबरस है वो होता है ऊपर की जानिब। ऊपर की जानिब के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज दिया गया है वो है डॉर्सल। ठीक है, क्यों ऐसा वेंट्रल और डॉर्सल दिया, आमतौर पर जब हम वेंट्रल और डॉर्सल बोलते हैं तो वेंट्रल हम कहते हैं सामने और डॉर्सल हम कहते हैं पीछे, लेकिन ये जो एनिमल है ये इस तरह से रहता है, इसलिए उसका वेंट्रल हो गया नीचे, डॉर्सल हो गया ऊपर। इसलिए एग्जामिनेशन में या इम्तिहान में या जब आप पढ़ रहे तब कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, किस बात के लिए, कि हम जब वेंट्रल बोलते हैं तो हम बोलते हैं सामने, डॉर्सल बोलते हैं पीछे। लेकिन यहाँ पर इनकी जो बॉडी है वो इस तरह से खड़ी फ्लैट नहीं है, खड़ी हुई नहीं है, बल्कि आड़ी है, तो इसलिए ये सर्विस उनकी हो जाती है डॉर्सल और ये सर्विस हो जाती है वेंट्रल, तो नीचे और ऊपर। तो इनका जो मुंह होता है वो नीचे की जानिब होता है, और जो मुबरस होता है जो खराजी फेरा होता है वो कहां पर होता है, ऊपर की जानिब यानी डॉर्सल साइड में। नाउ अब एक और चीज कि इनकी एक इम्तियाजी खसूसियत है, इम्तियाजी खसूसियत नहीं सबसे हटकर, वो क्या है कि इनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या वाटर वेस्कुलर निजाम। आमतौर पे ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम आमतौर पे उर्दू में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे पानी की नालियों का निजाम। और पानी के नालियों का निजाम, इसका मतलब इससे क्या होने वाला है, इसके जरिए पानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है, पानी मुंह से जिस्म के अंदर आएगा और इन नालियों के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाएगा, फिर मुबरस के जरिए खारिज हो जाएगा। जैसा हमारे जिस्म में होता है जो खून है वो जिस्म के अंदर पूरी जगह पर घूमता रहता है, किसके जरिए घूमता है, खून की नालियों के जरिए, वैसे इनके पास पानी है और पानी किसके जरिए घूम रहा है, पानी की नालियों के जरिए। उसी निजाम को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और जब खून होता तो हम क्या कहते हैं इसको, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ना अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम या पानी की नालियों का निजाम जो काम करता है वो क्या करता है, इसके जरिए वो अपने जो लिम्स है, उसकी जो अपने जो पैर है उसके अंदर वो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन है, और इस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वो किस काबिल हो गए, चलने फिर रहे। अब ये चलने फिरने के लिए जो अच्छा सा लफ्ज है वो लफ्ज क्या बोल सकते हैं हम, हरकत। तो जो हरकत करते हैं या दूसरे अल्फाज में हम उसको इंग्लिश में और बोल सकते हैं लोकोमोशन, यानी अपनी जगह में वो जो तब्दीली लाते हैं, वो तब्दीली लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करवाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी जो पानी की नालियों का जो निजाम है, ये सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता नहीं, बल्कि ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इसका मकसद ये होता है कि जिस्म के अंदर क्या हो, हरकत, जिस्म के अंदर क्या हो, लोकोमोशन। ठीक है, दूसरा, ये गिजा हासिल करने में मदद करता है,
यानी जब पानी जिस्म के अंदर जाएगा तो साथ में अंदर क्या जाएगी, गिजा। इसी तरह से एक और चीज है, वो है सांस में मदद लेने में, सांस लेने में मदद। सांस लेने में मदद का मतलब है कि यहां पर क्या अंजाम देना है, रेस्पिरेशन, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, गैसों का तबादला, या क्या होगा, गैसों का तबादला। गैस यहां पर क्या होगी, एक्सचेंज होगी, तब्दील होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अगर आपको याद होगा तो इसी तरह का एक सिस्टम हमने पढ़ा था, लेकिन हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम। कहाँ पढ़ा था? हाँ, एक जानवर, कौन सा जानवर मौलाना, ऐसा मजा मतलब ना मेरे। हाँ, कौन से वाले जानवरों के ग्रुप में पढ़ा था, कौन से वाले फाइलम में हमने पढ़ा था, पानी का निजाम या कैनाल सिस्टम। पहला तो फाइलम था पॉलीफेरा, कौन सा था, पॉलीफेरा। फिर दूसरा एक और सिस्टम पढ़ा था हमने, वाटर वेस्कुलर की जगह हमने पढ़ा गैस्ट्रो वेस्कुलर। किसमें पढ़े थे, अबूबकर भैया? सिलेंटेरेटा। किसने पढ़े थे? सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा कितने नंबर का फाइलम? दूसरे नंबर का। तो पहले नंबर के फाइलम में हमने पढ़ा था सिर्फ वाटर सिस्टम, और दूसरे फाइलम में हमने पढ़ा था गैस्ट्रो, गैस्ट्रो वेस्कुलर सिस्टम। और एक एक्स्ट्रा सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो किसकी प्रॉपर्टी है, इकाइनोडर्मेटा। तो ये तीन पॉइंट को भी लिख कर रख लेना अलग अलग, क्योंकि एग्जाम में बच्चे समय कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम सेपरेट सेपरेट पॉइंट बनाएंगे तो हमको वो याद रखने में हमेशा आसान रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से अब इनके बाद अगर हम निजाम में दौरान खून की बात करते हैं, तो इनके पास हकीकी निजाम में दौरान खून नहीं होता। अब हकीकी दौरान खून का निजाम का मतलब क्या है, यानी इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सिस्टम नहीं रहता। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जगह कौन मौजूद है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर इसी तरह से इनके पास जो जीन्स होगी वो अलग अलग होगी। जब जीन्स अलग अलग होती है तो उसका मतलब क्या होता है, माता अलग है, नर अलग होता है। फिर इनमें सिंफी तौलीद होती है, सिंफी तौलीद का मतलब दूसरा होता है जिन्सी तौलीद, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इनके पास क्या बनेगा, एक रिलीज करेगा स्पर्म, दूसरा रिलीज करेगा ओवम। इस तरह से उनके दरमियान में क्या होगा, अमले बारावरी। फिर अमले बारावरी के अंदर एक और बात याद रखना है कि बारावरी का जो प्रोसेस होता है आमतौर पर वो क्या होता है, बैरूनी। बैरूनी क्यों होगा, क्योंकि आमतौर पर कहां पर रहते हैं, पानी में। इसलिए क्या करेंगे, अपने ओवम और स्पर्म को कहां रिलीज कर देंगे, पानी में। और पानी में जो नुतफा है और जो बैजा है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा, मिल जाएगा। फिर इसी तरह से इनके पास जो अफजाइश होती है, अफजाइश जो होती है वो अफजाइश कैसी होती है, इनके पास जो अफजाइश होती है वो गैर रास्त होती है। और जब गैर रास्त अफजाइश होती है तो उनके पास आजादाना तैरने वाला कौन मौजूद होता है, लार्वा। याद आएगा, तो इनके पास जो अफजाइश होती है, यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखा कि अफजाइश जो होती है वो गैर रास्त होती है, लेकिन आगे उन्होंने लिखा कि जब अफजाइश होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, आजादाना तैरने वाला क्या बनता है, लार्वा। और हमको मालूम है कि जब भी किसी जानदार की अफजाइश में लार्वा बनता है तब हम बोलते हैं कि वो अफजाइश कौन सी होती है, गैर रास्त। बिल रास्त में या रास्त में क्या होता है, लार्वा नहीं बनता है, ठीक है ना। अब इसकी जो मिसालें हैं, इसकी मिसालें कौन कौन सी है, इसकी मिसालों में सबसे पहली मिसाल जो है वो है स्टारफिश। अब यहां पर स्पेलिंग में बहुत सारी गलती हो गई, वो क्या है कि यहां पर एम नहीं होगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, एस्टेरियस। क्या बन गया ये, एस्टेरियस। तो एस्टेरियस का मतलब कौन होता है, स्टारफिश। फिर दूसरा है इकाइनस, इकाइनस को बोला जाता है सी अर्चिन। क्या बोला जाता है, सी अर्चिन। फिर इसी तरह से एंटीडॉन, एंटीडॉन को बोला जाता है सी लिली। क्या बोला जाता है, सी लिली, एंटीडॉन। उसी तरह से क्यूकुमेरिया, कौन होता है, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया का मतलब क्या होता है, समंदरी खीरा।
अब समुद्री खीरा का मतलब अपना खीरा जो दिखता है वैसा नहीं, उसको बोला जाता है सी कोकुम्बर, क्योंकि वो खीरे की तरह दिखाई देता है इसलिए, लेकिन ये जानदार है। और इसी तरह से होता है ओफ्यूरा, कौन होता है ओफ्यूरा, ओफ्यूरा को बोला जाता है ब्रिटल स्टार, क्या बोला जाता है ब्रिटल स्टार। तो सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, एक है एस्टेरिया यानी स्टार फिश, दूसरा इकाइनस यानी सी अर्चिन, इसी तरह से एंटीडॉन यानी सी लिली, इसी तरह से कुकुमेरिया यानी समंदरी चीरा, या उसको क्या बोला जा रहा है सी कुकुम्बर, और उसके बाद है ओफियोरा, ओफियोरा मतलब ब्रिटल स्टार, क्या है ब्रिटल स्टार, याद रहेगा गाजिया, उमेर, यूसुफ, आयशा, ठीक। एक और फाइलम की हम बात कर रहे हैं, और ये फाइलम है हेमीकॉर्डेटा, कौन सा फाइलम है, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। नाउ आमतौर पे हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, और कॉर्डेटा हम किसको कहते हैं, कॉर्डेटा किसको कहते हैं, जिनके पास, हाँ जिनके पास क्या मौजूद होती है नोटोकॉर्ड। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये ऐसे जानदार है जिनके पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड पूरी नहीं है बल्कि आधी है, इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है हेमीकॉर्डेटा। नाउ ये जो जानदार है इनके मामले में पहली बात याद रखिए, क्या पहली बात याद रखना है कि ये पहला कॉर्डेटा का फाइलम है जिसको सब फाइलम समझा जाता था। हम ये कहते हैं आगे चल के अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो कॉर्डेटा फाइलम है इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर तीन और सब फाइलम है, यानी हम उसको आमतौर पर बोलेंगे जिमनी ग्रुप, क्या बोलेंगे हम उसको जिमनी ग्रुप, एक तो ग्रुप कॉर्डेटा है, इस कॉर्डेटा के ग्रुप के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे जिमनी ग्रुप। और इसी के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है सब फाइलम। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो कॉर्डेटा है उस कॉर्डेटा का एक सब फाइलम कौन था, हेमी कॉर्डेटा। क्यों इसको, इसका हेमी सब, इसको क्यों पहले कॉर्डेटा में रखा गया, इसको सब फाइलम क्यों बोला गया, क्योंकि जब लोग देखते थे तो उनको लगता था कि इसके पास जो सांप है वो कॉर्डेटा की तरह है, यानी उसके पास क्या मौजूद है नोटोकॉर्ड। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये कंप्लीट नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि आधी नोटोकॉर्ड है, यानी नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाली सांप है। आधी का मतलब ये नहीं है ना ये पाइप है तो ये आधा आधा, ऐसा नहीं। आधी का मतलब क्या है, दिखने में वो नोटोकॉर्ड की तरह थी लेकिन असल में वो नोटोकॉर्ड नहीं है। बस समझ में आई, आधी का मतलब समझ में आया, हेमी का मतलब समझ में आया, दिखने में वो नोटोकॉर्ड की तरह है ठीक ना। अब फिर इनको नॉन कॉर्ड बाद में क्या किया गया, बाद में जब ये बात मालूम पड़ी कि नहीं ये सिर्फ दिखने में नोटोकॉर्ड की तरह है, असल में ये नोटोकॉर्ड नहीं है, यानी ये हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए उसको बाद में कहां पर रख दिया गया, नॉन कोऑर्डिनेटा के तहत। और जब नॉन कोऑर्डिनेटा में रखा गया तो अब उसको सब फाइलम से जिमनी ग्रुप से क्या बना दिया, ग्रुप। और जिमनी ग्रुप से जब ग्रुप बनाया तो अब उसको क्या बोला जाता है, एक फाइलम। तो अब वो सब फाइलम रखा गया नहीं, अब वो क्या बन गया, एक फाइलम। ठीक है ना। अब एक और बात कि ये जो जानदार होते हैं, अगर हम इन जानदारों को देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये केचुआ नुमा है, यानी ये अर्धवाओं की तरह दिख रहे हैं या समुद्री केचुए की तरह दिख रहे हैं। इसमें याद रखना कि इनकी सांप को अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि ये केचुए की तरह, यानी आमतौर पर इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है केचुए की तरह के लिए वो होता है वॉर्म लाइक। इससे पहले भी मैंने बोला कि जैसे अर्धवाम है, हुक वॉर्म है, पिन वॉर्म है, तो वो वॉर्म जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वॉर्म का मतलब होता है लंबूतरी शक्ल का, लंबी सांप अगर होती है तो हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वॉर्म।
तो ये जो जानदार होता है इसको अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लंबी सांप यानी वॉर्म की तरह दिखता है, इसीलिए इसको गढ़ा जाता है कि केचुए नुमा समंदरी जानवरों वाला एक छोटा सा क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो याद रखना है कि दिखने में किस तरह दिखाया जाता है, वॉर्म लाइक यानी समंदरी केचुए, याद रहेगा। अब इनके पास जो सतह की तरतीब होती है वो कौन सी होती है, ऑर्गन वाली, ऑर्गन सिस्टम वाली यानी उसूवी निजाम वाली। फिर इनमें जो तवाजुन होता है, इनके तवाजुन की अगर बात करेंगे, इनके तनासुब की अगर बात करते हैं, तो इनमें बाइलेटरल तवाजुन होता है। बाइलेटरल तवाजुन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन से। ठीक है, इसी तरह से ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, इनके पास कितनी जान पेयर होगी, तीन। सीलोमेट का मतलब है इनके पास क्या रहेगा, जिसमें टैफो। फिर इनके जिस्मानी सांप की अगर हम बात करते हैं तो जिस्मानी सांप इनकी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, खोखली। जैसे हमारा सिलेंडर होता है ना, गैस अंदर भरी होती है, तो वो जो दीवार है वो अंदर से, तो इस तरह से इनका जो जिस्म होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल जिस्म है उसके अंदर तीन पार्ट है, एक पार्ट होता है इसको बोला जाता है प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है कॉलर, और तीसरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है ट्रंक। अगर आपको याद होगा तो आर्थ्रोपोड जब हमने पढ़ा था, तो आर्थ्रोपोडा में हमने कहा कि उनके जिस्म के अंदर तीन हिस्से होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मोलस्क जब पढ़ा था तो मोलस्क में भी ऐसे ही बोला था हमने, हेड, मस्कुलर फुट, विस्सेरल हम्प, याद आ रहा है। वैसे इनके जिस्म में भी तीन पार्ट है, पहला पार्ट कौन है, प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट कौन है, कॉलर, तीसरा पार्ट कौन है, ट्रंक, याद रहेगा ना। अब ये जो प्रोबोसिस है यानी इनका जो जिस्म सिलेंड्रिकल होता है, जो प्रोबोसिस, कॉलर और लंबी सूंड, लंबी सूंड के लिए यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इंग्लिश में, ट्रंक। नाउ अब इनके पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, बंद किस्म का यानी क्लोज टाइप। और क्लोज टाइप का मतलब है कि जो खून होगा वो कहां बहेगा, नालियों के जरिए, बहुत अच्छे। फिर सांस लेने के लिए इनके पास क्या मौजूद होता है, तो इनके पास मौजूद होते गिल्स, यानी इनके पास क्या मौजूद होती है, गलफड़े, क्या बोलते हैं हम उसको, गलफड़े। तो गिल्स इनके पास होती है जिसके जरिए वो हमारे तनफ्फुस करे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे। फिर इनके पास एक ग्लैंड है, एक गुदूद है, उस गुदूद को बोला जाता है प्रोबोसिस, यानी यहाँ पर एक गुदूद है और उस गुदूद का नाम है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड या प्रोबोसिस, प्रोबोसिस गुदूद। ये जो प्रोबोसिस गुदूद है ये क्या काम करता है, ये प्रोबोसिस गुदूद इखराजी उज़्ज़ू है। इखराजी उज़्ज़ू का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा काम कर रहा है, बहुत अच्छे, ये कौन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी हम दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं इसको कि इखराजी उज़्ज़ू है। कौन है ये, इखराजी उज़्ज़ू, जो वेस्ट मटेरियल को जिस्म से क्या करेगा, बाहर खारिज करेंगे। जैसे हमारे पास इखराजी उज़्ज़ू कौन है, किडनी, अच्छा है, नहीं तो हमारे मौलाना वहां से टाइप कर दे लीवर, ये सब मौलाना, ठीक है ना। उसके बाद जींस की अगर बात कर दें तो जींस अलग अलग होते हैं, जींस अलग अलग है मतलब उसके लिए इंग्लिश में क्या लोग इस्तेमाल करते हैं हम, डायोशियस, बहुत अच्छे। कैसे होते हैं ये, डायोशियस, डायोशियस का मतलब होता है इनकी जींस जो होती है वो अलग होती है। फिर बारावरी की अगर हम बात करते हैं, हमारे बारावरी तो कैसी होती है, बेरोनी यानी जिस्म के बाहर। फिर अफजाइश की बात करते हैं यानी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, गैर रास। जब डेवलपमेंट गैर रास होता है तो इसका मतलब क्या है, लार्वल स्टेज मौजूद होती है, ठीक है ना। आखिर दो ही एग्जाम्पल इसके पास है, एक एग्जाम्पल है उसको बोला जाता है बेलेनोग्लॉसिस, क्या बोला जाता है, बेलेनो, बेलेनोग्लॉसिस, और दूसरा होता है सैको, सैको ग्लॉसिस, कौन होता है, सैको ग्लॉसिस। तो ये बुनियादी एग्जाम्पल्स है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, जो किसमें मौजूद होती है, हेमीकॉर्डेटा, तो पॉलीफेरा, पॉलीफेरा के बाद सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लैटी एलमेंट्स, प्लैटी एलमेंट्स के बाद एश एलमेंट्स, के बाद
Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata और Hemichordata और अब आपने इनका चार्ट बनाना है, सबकी एग्जाम्पल एक चार्ट में लिखना है और जहां आप पढ़ते बैठे वहां पर अच्छी तरह से चिपकाना है, चिपका के उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है ना। ओके, अरे दीवारें याद करना है, हाँ ऐसा ऐसा करना है, हाँ सर सर नहीं ठीक है ना। एक चीज और है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मामले में एक बात रह गई बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को अभी हेमिकॉर्डेटा पढ़ाते पढ़ाते वो याद आया, इसलिए मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एक खास बात होती है, वो क्या होती है, इनके पास जब हम तवाजुन की बात करते हैं या तनासुब की बात करते हैं या सिमेट्री की बात करते हैं, तो ये एक लौता ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो दो तरह की होती है। एक सिमेट्री जो होती है वो उनकी बलुगत पर होती है, यानी जब वो कौन सी हालत में होते हैं, एडल्ट, और दूसरी सिमेट्री होती है उनकी लार्वा, कौन सी हालत में होती है, लार्वा स्टेज में। नाउ इनके मामले में याद रखना है कि जब ये एडल्ट होते हैं यानी जब ये बलुगत को पहुंचते हैं तो इनके पास जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल, कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, और जब तक वो लार्वा स्टेज में होते हैं तब तक इनके पास जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल, कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें उसको मेंशन उन्होंने नहीं किया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं कि गलती से ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने मोलस्का वाली बात यहाँ बोल दिया, नहीं बराबर है ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं रही, यहाँ पर कहीं पर भी देखिए सेमेट्री वाला का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर वो पॉइंट मिस हो गया। तो उसको याद रखना है कि इनके पास क्या होती है, बायलेटरल सेमेट्री और रेडियल सेमेट्री, ठीक है। तो दो तरह की सेमेट्री इनके पास होती है, ठीक। Now, मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, हम 12th का लेक्चर देखेंगे। मैं चाहता तो 11th के और एक फाइलम हम आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर अभी से इस फाइलम की, अगर दोबारा मैंने कॉर्डेटा वाला फाइलम को स्टार्ट कर दिया तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं और 12th का लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक जी। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।